हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो जी आज आपसे क्या शेयर करना है जी। रात को बहुत बहुत अच्छी बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। हाँ, कराची में 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे एरिए में तेज़ बारिश जो है वो आज रात को हुई थी। और जो है बच्चों ने, सब ने, छोटों ने, बड़ों ने, सब ने बहुत इंजॉय किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूँ। काफ़ी दिनों से मौसम बहुत गर्म था, बहुत शदीद गर्मी थी, और जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बारिश हुई तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। बच्चे जो गर्मी में जिनका बुरा हाल था, तो बारिश में तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने इंजॉय किया था। और बारिश की बूंदों की, पानी गिरने की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतना मतलब उसको सुन के सुकून सा मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह की हमारे लिए नेमत है। और बस जब भी बारिश होती है तो मैं यही दुआ करती हूँ कि बारिश सबके लिए रहमत साबित हो, किसी पर भी जो है ज़हमत ना बने और किसी को भी कोई मसला ना हो बारिश में। सब अपने अपने घरों में, अपनी जो है जगहों में, जहाँ जहाँ पर भी हैं, हिफाजत से रहें और किसी को कोई नुकसान ना हो बारिश में। जो है बहुत दुख होता है, बड़ा दिल दुखता है कि हम लोग बारिश में बहुत इंजॉय करते हैं, हमें बारिश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वहीं पर बारिश से जो जाने नुकसान होता है, उस चीज़ से जो है ना दिल बहुत दुखता है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि बारिश में बच्चे जो है ना वो बस घर के पास ही रहें, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएँ। क्योंकि लास्ट ईयर जो बारिश में बहुत ज़्यादा बच्चों का इंतकाल हुआ था करंट लगने से, तो इस चीज़ से बड़ा दिल दुखा था। और जो है बारिश होती है तो टेंशन भी साथ होती है, इस चीज़ का बहुत डर लगता है कि बच्चे बड़े सभी के लिए जो है नुकसानदेह भी है। क्योंकि जो लोग घरों से बाहर होते हैं और बारिश हो जाती है और इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बारिश जब भी हो तो बच्चों का ख्याल रखिएगा। और मेरी दुआ है कि बस अल्लाह पाक सबको जो है अपने हिफ्ज़ में रखे। हम हॉस्पिटल आए हैं अभी, इसके स्टिचेस खुलवा लें और ये सूरत हाल है अभी। अब हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी पार्क कर ली है हमने। आज डॉक्टर का टाइम था, डॉक्टर ने टाइम दिया हुआ था स्टिचेस खुलवाने का, इसलिए हमें आना पड़ा। बारिश रुक गई है, मौसम अच्छा हो रहा है। थोड़ा खुल गया लेकिन अभी तक पूरा नहीं खुला उसका। फिर भी अगर आपको डर है तो वो रख ले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, स्टिचेस हट गए हैं। अब हम घर जा रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। हम लोग घर की तरफ आ चुके हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया था बारिश के बाद, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैर खैरियत से अवेस के स्टिचेस भी रिमूव हो गए थे। थोड़ा सा पेन हुआ था
पर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं अब। और पट्टी उन्होंने एक हल्की सी कर दी थी, जो उन्होंने कहा 2 दिन के बाद आप रिमूव कर दीजिएगा, और रिकवरी का टाइम पीरियड उन्होंने बताया है 2 मंथ से 6 मंथ। और वेट उठाने से डॉक्टर ने मना किया है, अभी कोई भी हल्का फुल्का भी मतलब वेट नहीं उठाना, अभी सिर्फ एक्सरसाइज बताई हैं जो उन्होंने करनी है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो जाएगी। आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में।